रोज नए कीर्तिमान रच रहे भारत के लिए खुशखबरी आई है। IMF की नई रिपोर्ट के अनुसार अभी भी भारत दुनिया का सबसे तेज और उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। इतना ही नहीं, भारत ने अर्थव्यवस्था के मामले में चीन को काफी पीछे छोड़ दिया है। एक जगह भारत अपनी अर्थव्यवस्था को दिन प्रतिदिन मजबूत कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ चीन की विकास दर लगातार गिर रही है। अब IMF की ताजा रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत की विकास दर 7.3 और 2020 में 7.5 रहने का अनुमान है। वहीं चीन की लगातार गिर रही अर्थव्यवस्था को इस रिपोर्ट से भी झटका लगा है। IMF के मुताबिक चीन की विकास दर 2019 में 6.3 और 2020 में 6.1 रहने का अनुमान है। वैसे यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ऐसे परिवर्तन कोई एक दिन में नहीं आते हैं। मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में कई ऐसे कदम उठाए हैं जिससे देश की अर्थव्यवस्था की नींव मजबूत हुई है। खुद IMF ने इस बात को स्वीकार किया है कि भारत में कुछ बड़े रिफॉर्म किए गए हैं, जिसके चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अस्थिरता होने के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था ने अपनी तेज गति बरकरार रखी है। IMF ने अपनी रिपोर्ट में कुछ ऐसे तर्क दिए हैं जिसे ये समझा जा सकता है कि भारत दुनिया का सबसे तेज अर्थव्यवस्था क्यों है। स्ट्रक्चरल और फाइनेंशियल सेक्टर में रिफॉर्म के कारण भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है। सब्सिडी को कम करने की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड के गठन के बाद NPA की स्थिति सुधरी है। अब मोदी राज में भारत की अर्थव्यवस्था तो सुधर गई, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि उस चीन की विकास दर भारत से कैसे पिछड़ गई, जो खुद अमेरिका की तरह महाशक्ति बनने का सपना देखता है। तो आपको बता दें कि चीन की गिरती विकास दर का एक कारण खुद अमेरिका ही है। चीन और अमेरिका के बीच में काफी समय से एक ट्रेड वॉर छिड़ा हुआ है, जिसके चलते उसकी अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। वैसे IMF ने पहले की तुलना में चीन की विकास दर में थोड़ी बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। उनके अनुसार अमेरिका के साथ चीन का ट्रेड वॉर अभी ठंडा पड़ गया है, लेकिन 2020 के लिए चीन की विकास दर को कम भी इसी वजह से किया गया है। दरअसल IMF को शक है कि अब चीन और अमेरिका के बीच ऑटो इंडस्ट्री में भी ट्रेड वॉर छिड़ सकता है, जिसका चीन की अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर पड़ना तय है। वैसे चुनावी समय में इस प्रकार की रिपोर्ट भाजपा के लिए किसी ब्रह्मास्त्र से कम नहीं है। अभी महंगाई भी काबू में है और विकास दर भी अच्छी गति से आगे बढ़ रही है, तो इसका चुनाव में सत्तारूढ़ी पार्टी को फायदा मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत।